दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में एएनएम के 8,853 पदों पर भर्ती। हां, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने सहायक नर्स मिडवाइफरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। इस भर्ती अभियान के तहत 8,853 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार SHSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल EWS BC MBC उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, वही जनरल EWS BC MBC महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपये, SC ST और PWD श्रेणी के उम्मीदवार को भी 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, LPG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, जाने कहां किस रेट पर मिल रहा है सिलेंडर। जी हां, लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच तेल कंपनियों ने गुरुवार को गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा गुरुवार को जारी की गई नई दर के अनुसार पटना में 14.2 किलोग्राम गैर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 933 रुपये हो गई है। 30 जून तक इसकी कीमत 907.50 रुपये थी, यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25.5 रुपये की वृद्धि की गई है। इसी तरह 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में भी 83 रुपये की वृद्धि हुई है। 1 जुलाई गुरुवार से व्यावसायिक गैस सिलेंडर की नई कीमत 1768 रुपये हो गई है, पहले इसकी कीमत 1685 रुपये थी। अगली बड़ी खबर, नौकरशाही से नाराज नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की घोषणा, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रहा। जी हां, बिहार के नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। सहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे देने की बात कही है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा, जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं, जब अधिकारी मेरी सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा कैसे करूंगा। अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बनने रहने का कोई मतलब नहीं। मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सहनी ने कहा कि इसीलिए अब हमने मन बना लिया है कि अब हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम केवल सुविधा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। पार्टी से इस्तीफे देने के सवाल पर सहनी ने कहा कि पार्टी में बने रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी रहेंगे। बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा RTO पर ड्राइविंग टेस्ट, आज से बदल गया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय का संशोधित नियम आज से लागू हो गया है। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है, जहां उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार प्रशिक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, महावीर मंदिर की राम रसोई को मिला ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, हर दिन 2000 लोगों को कराया जाता है भोजन। जी हां, अयोध्या में चल रहे पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है। निबंधित ट्रेडमार्क मिलने से अब देश में दूसरी कोई संस्था या व्यक्ति राम रसोई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने राम रसोई को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी। अयोध्या के इतिहास में पहली बार राम मंदिर पटना ने बाहर के सभी तीर्थ यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्र प्रारंभ किया है।
बड़ी खबर, बिहार में अगले 3 दिन में फिर से होगी बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जून महीने में मानसून की एंट्री के पहले से बिहार में बारिश हो रही थी और पूरे जून महीने बारिश का यह सिलसिला जारी रहा। बीते 2-3 दिनों में मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ, लेकिन अब एक बार फिर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो ताजा जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। राज्य में सबसे अधिक बारिश गोनाहा में 210 mm, त्रिवेणी में 130 mm, डेंगा ब्रिज में 120 mm, रामनगर में 90 mm और बेरागनिया में 80 mm बारिश हुई। मौसमविदों की माने तो अभी 2-3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ राज्य के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे में बारिश और वज्रपात की तीव्रता और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने इन 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति 2 जुलाई तक रह सकती है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़ा लोचा, 257 अफसरों के तबादले पर रोक, सरकार ने ट्रांसफर ऑर्डर किया स्थगित। जी हां, बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौर के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने 257 अफसरों के तबादले पर तत्काल रोक लगा दिया है। इन अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर को स्थगित कर दिया गया है। नीतीश सरकार की ओर से यह अहम जानकारी साझा की गई है। बड़ी खबर, टीकाकरण अभियान को मिलेगी तेजी, बिहार को और 3 लाख वैक्सीन मिली। जी हां, बिहार को गुरुवार को 3 लाख कोरोना टीके की डोज और मिल गई है। बुधवार को भी देर शाम 7.5 लाख टीका मिला था। गुरुवार को देश भर में टीकाकरण को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई। इस क्रम में बिहार में रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से 1,95,111 लोगों को टीका लगा। जिलों में कुछ टीका पहुंचने के बाद टीका केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि अरवल में 1 भी टीका नहीं लगा, जबकि 2 जिलों में 100 से कम टीके लगे हैं। शुक्रवार से गति तेज होने की उम्मीद है। राज्य में बीते कई दिनों से मंद पड़े टीकाकरण को गुरुवार को कुछ रफ्तार मिली है। हालांकि यह आंकड़ा लक्ष्य पाने के लिए जरूरी संख्या तय नहीं पहुंच सका है। दरअसल 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए हर दिन 3,30,000 लोगों का टीकाकरण करना होगा। बड़ी खबर, बिहार में अब जमीन का नक्शा लेना हुआ और आसान, अंचलों में 150 रुपये में मिलेगा नक्शा। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का नक्शा और अन्य दस्तावेज लेने के लिए कितना शुल्क देना होगा यह निर्धारित कर दिया है। पेज के आकार के अनुसार यह शुल्क तय किया गया है। जमीन का नक्शा 150 रुपये में मिलेगा, साथ ही 10 रुपये फीस के रूप में इसे देना पड़ेगा। सभी दस्तावेज आधुनिक अभिलेखागार सर डाटा केंद्र से मिलेंगे। साथ ही A0 साइज पर मानचित्र आदि के लिए प्रति पेज 150 रुपये लिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिवेदन व अन्य अभिलेख A1 साइज के पेपर पर मांगता है तो उसे 50 रुपये, A2 साइज के लिए 30 रुपये, A3 साइज के लिए 20 रुपये और A4 साइज के लिए प्रति पेज 10 रुपये चुकाने होंगे। आवेदकों को 10 रुपये स्टाम्प शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। बिहार में नल जल योजना के तहत मरम्मत की समय सीमा तय, दोबारा कनेक्शन को देने होंगे 300 रुपये। यह राज्य भर में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री हर घर नल जल के योजना से जुड़े लाभुकों को 1 जुलाई से हर महीना 30 रुपये देने होंगे। PhD ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यानी PhD और पंचायती राज विभाग के माध्यम से 1,73,00,000 से अधिक परिवारों को जुलाई से नल के जल के लिए शुल्क देना होगा। वही दोबारा कनेक्शन लेने के लिए 300 रुपये देने होंगे। योजना के तहत 1,83,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। नई पॉलिसी के तहत लाभुक को प्रति माह 30 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि साथ ही मरम्मत की समय सीमा तय कर दी गई है। साधारण लीकेज को 12 से 24 घंटे और असाधारण लीकेज को 3 से 5 दिनों में ठीक करना होगा। मोटर पंप में खराबी 24 घंटे में ठीक करना होगा, वहीं एक अलग से मोटर भी रखना होगा। साधारण मरम्मत 24 घंटे में करनी होगी। स्टैंड पोस्ट की मरम्मत को 24 घंटे में करनी होगी। जल मीनार की सफाई 15 दिनों में करनी है। पानी की गुणवत्ता की जांच हर 3 दिन पर होनी है और पानी की चोरी करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बड़ी खबर, बिहार देश का पहला और अकेला राज्य जहां कोरोना से मौत पर मिल रहा है मुआवजा। जहां बिहार देश का पहला और अकेला प्रदेश है जहां कोरोना से हुई मौत पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 4,00,000 रुपये मुआवजा दे रही है। अब तक राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले 3,337 लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,00,000 रुपये दिए हैं। सरकारी प्रावधान के मुताबिक बिहार के मूल निवासी वैसे लोग जिनकी मौत राज्य में ही हुई हो, वैसे लोगों के परिजनों को 4,00,000 की सहायता राशि
दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 9537 लोगों की मौत हुई है, बाकी 5800 मृतकों के परिजनों का आवेदन प्रक्रिया में है। सरकार 31 मार्च 2022 तक कोरोना से होने वाले मरीजों के मामले में राज्य सरकार मुआवजा देगी। अगली बड़ी खबर, पैसा खर्च करने के मामले में 100 शहरों में 62वें स्थान पर पटना, बिहार के ये जिला भी कहीं कम नहीं। जहां देश के 100 स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला शहर भोपाल बन गया है। सूरत दूसरे, इंदौर तीसरे, अहमदाबाद चौथे और आगरा 5वें स्थान पर है। बिहार के शहरों में पटना 62वें, बिहार शरीफ 70वें, भागलपुर 91वें और मुजफ्फरपुर 99वें स्थान पर है। अंतिम पायदान पर पुदुचेरी है। इस बार चयनित योजना पर खर्च राशि और स्थानांतरण के आधार पर स्मार्ट सिटी की रैंक दी गई है। बड़ी खबर, जेडीयू के 23 विधायक आरजेडी के संपर्क में, मंजीत के आरजेडी में शामिल होने की बात पर तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुटा जेडीयू। आरजेडी ने कहा, पूर्व की बात छोड़िए, वर्तमान विधायक भी राजद में आएंगे। यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने 3 माह के अंदर बिहार में सरकार बनाने का दावा किया था, या नीतीश कुमार को अल्टीमेटम ही है। नीतीश कुमार आग का इलाज कराने दिल्ली गए थे और इधर उनकी पार्टी के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और शनिवार को आरजेडी में शामिल होने की बात कह दी है। मुख्यमंत्री ने इसे बड़ा डैमेज माना है और लेसी सिंह सहित जय कुमार सिंह सरीके सीनियर नेताओं को लगाया गया है। दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी जेडीयू के कई पूर्व विधायक, साथ ही वर्तमान विधायक भी आरजेडी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 23 विधायक आरजेडी के संपर्क में है। अगली बड़ी खबर, जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, दिल्ली के सर गंगाराम में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया शोक। जी हां, कुशेश्वर स्थान के जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का गुरुवार तड़के नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। तबीयत खराब होने पर उन्हें 1 सप्ताह पहले ही वहां भर्ती कराया गया था। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के विधायक व बिहार विधानसभा के महेश्वर हजारी ने शशि भूषण हजारी के निधन की पुष्टि की है। महेश्वर हजारी शशि भूषण हजारी के भतीजे हैं। बताया जा रहा है कि शशि भूषण हजारी को लिवर में संक्रमण था, वे मधुमेह के भी मरीज थे। इसके अलावा भी उन्हें अन्य तरह की कोई परेशानियां थी। और अंत की बड़ी खबर, इग्नू ने जुलाई 2021 सेशन के री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि आपके अनुसार समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का इस्तीफे देने का फैसला सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।